5 टिप्स टू मैनेज पंचकर्मा अनसर्टेन डीज। अगर आपके मन में पंचकर्मा ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी अनसर्टेनिटी है तो आप इन 5 टिप्स से अपने अनसर्टेनिटीज को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, कंसल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। अपने लिए एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर चुने जो आपकी प्रकृति और विकृति को एनालिसिस करके आपके लिए एक कस्टमाइज पंचकर्मा ट्रीटमेंट प्लान बनाए। आपकी प्रकृति के हिसाब से बनाया गया पंचकर्मा प्लान आपके लिए बेस्ट पंचकर्मा प्लान होगा। नंबर 2, ask your practitioner to explain the entire panchkarma treatment plan. आप जब भी किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पंचकर्मा के लिए जाते हैं तो डॉक्टर से पंचकर्मा थेरेपी स्टेप्स, पंचकर्मा ड्यूरेशन या भी पंचकर्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आप डॉक्टर से पूछें और अपने कंसर्न्स को सॉल्व करें। इससे आप पंचकर्मा कराते टाइम एंग्जियस फील नहीं करेंगे एंड मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। नंबर 3, प्रिपेयर फिजिकली एंड मेंटली। पंचकर्मा करने से पहले डॉक्टर ने आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए जो भी डाइटरी और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस दी हैं उसको फॉलो करें। जैसे डॉक्टर आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं। नंबर 4, कम्युनिकेट ओपनली थ्रू आउट द पंचकर्मा प्रोसेस। आप डॉक्टर से एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मेंटेन करें। अगर आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, साइड इफेक्ट और अनसर्टेनिटी है इमीडिएटली डॉक्टर से बात करें। नंबर 5, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर। पंचकर्मा हो जाने के बाद जो भी पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आपको डॉक्टर के द्वारा बताई गई हैं उसे आप फॉलो करें, जिसमें डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और हर्बल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं।